हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अल्का स्पेशल किचन में आपका फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हूँ आलू मसाला। कैसे बनाएं, जिसको हम कोफ्ते, समोसे, कचौरी, ब्रेड पकौड़े में लगाने में इस्तेमाल करते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए बना लेते हैं। मैंने यहाँ आलू लिए हैं, तो सबसे पहले मैं इनको बॉईल कर लेती हूँ। तो बॉईल करने के लिए मैंने यहाँ कुकर लिया है। कुकर को इसके अंदर हम डाल देते हैं। सारे आलूओं को मैंने कुकर के अंदर डाल दिया है। अब इसके अंदर मैं डालूंगी 2 गिलास पानी और थोड़ा सा डालूंगी इसके अंदर मैं नमक। तो मैं यहाँ 1/2 चम्मच नमक डाल रही हूँ। अब चलिए इसको उबलने के लिए गैस के ऊपर रख देते हैं। तो कुकर को मैंने गैस के ऊपर रख दिया है और इसके अंदर मैं 5 सीटी लगाऊंगी, जिससे हमारे आलू बहुत अच्छे से गल जाए। तो चलिए आलू उबलने के लिए हम इसका वेट कर लेते हैं। तो ये देखिए, हमारे प्रेशर कुकर में सीटी आनी स्टार्ट हो चुकी है। आलू है वो बॉयल हो चुके हैं। अब इनको मैं बाहर निकाल के इनको छील लेती हूँ और फिर इनको मैं मैश करूँगी। तो ये देखिए, मैंने आलू को बाहर निकाल लिया है और इनको मैं छीलना स्टार्ट कर रही हूँ। ये देखिए, तो ये देखिए मैंने आलू को छील लिया है। अब इनको चलिए मैं मैश कर लेती हूँ। तो ये देखिए, आलू को मैंने अच्छे से मैश कर लिया है। तो चलिए स्टफिंग की तैयारी कर लेते हैं हम। तो मैंने यहाँ 3 हरी मिर्च काट ली है, 3 से 4 आल प्याज है, हरा धनिया, हल्दी, नमक, धनिया, लाल मिर्च पाउडर और यहाँ मैंने कुटा हुआ लहसुन, काजू, काली वाली किशमिश, हींग, गरम मसाला, साबुत धनिया, सौंफ, काली मिर्च और अजवाइन ली है। तो इन्हीं सब से हम आज बनाएंगे आलू का मसाला। तो चलिए बना लेते हैं। सबसे पहले गैस के ऊपर मैंने कढ़ाई रख दी है। अब इसके अंदर मैं डालूंगी 1 चम्मच ऑयल। ऑयल हमें थोड़ा ही डालना, ज्यादा नहीं डालना है। अब इसको गर्म होने के लिए रख देती हूँ। तो ये देखिए, हमारा तेल अब गर्म हो चुका है। तो सबसे पहले डालूंगी इसके अंदर मैं
हरी मिर्च, तो इसके अंदर मैंने हरी मिर्च डाल दिया है। अब इसके अंदर मैं डालूंगी कुटा हुआ लहसुन, काली मिर्च, सौंफ, साबुत धनिया। गैस का फ्लेम हम मीडियम ही रखेंगे। अजवाइन, अब इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। अब इसके अंदर मैं डालूंगी कटे हुए हरी प्याज, अब डालूंगी इसके अंदर उबले हुए आलू, इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। तो ये देखिए मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसके अंदर मैं डालूंगी हाफ इंच हींग, स्वाद अनुसार नमक, हाफ पिंच हल्दी, हाफ पिंच लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर। अब इसको फिर से मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। अब इसके अंदर डालूंगी कटे हुए काजू, किशमिश, इसको फिर से हम मिक्स कर लेंगे। तो ये मसाला हमारा तैयार है। अब गैस की फ्लेम को हम कर देते हैं बंद। अब इसके अंदर डालूंगी मैं गरम मसाला, कटा हुआ हरा धनिया। अब इसको फिर से हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब ये हमारा मसाला बनके तैयार है। अब चलिए इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। तो ये देखिए मैंने मसाले को एक बाउल में निकाल लिया है और ये हमारा मसाला एकदम बनके तैयार हो चुका है। तो ये देखिए हमारा मसाला एकदम रेडी है।
अब इसके ऊपर हम डाल देते हैं थोड़ा सा हरा धनिया गार्निश के लिए। तो ये मसाला हमारा समोसा, कचौरी, कोफ्ते, ब्रेड पकोड़ा बनाने के लिए एकदम रेडी है। तो फ्रेंड्स, मेरे द्वारा बनाया गया आलू मसाला की रेसिपी आपको कैसी लगी तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को पूरा देखिए। और मिलते हैं न्यू रेसिपी के साथ। ओके बाय, थैंक यू की वॉचिंग।